शिवपुरी जिले में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के रूपपुर गांव का है। आपको बता दें कि महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की मौत हुई है। पहले सर मैं डायरेक्ट सीएमओ साहब से और सीएम जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज आपकी सरकार अच्छी है लेकिन गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जिनके पास पैसा है। मैं आज यहाँ सात बजे यहाँ हॉस्पिटल में आया, सिर्फ मेरी वाइफ को पेट में दर्द था। हॉस्पिटल में आया, उन्होंने फॉर्म भरा और मुझसे पूछा मरीज से नहीं कि क्या परेशानी है। मैंने बोला कि पेट में दर्द है, उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला इंजेक्शन कि इन्हें इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन लगा दिया, बोला बेड पे ले जाओ इन्हें। मैं बेड पे ले गया, आधा घंटे बाद फिर आया, मैंने कहा सर दर्द बंद नहीं हो रहा, उन्होंने कहा एक घंटा वेट करो, मैंने एक घंटा वेट किया। वहीं परिजनों के हंगामे के बाद मौके से डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए। उधर हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।